मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू रविवार को अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए भारत पहुंचे हैं। भारत के साथ रिश्ते सुधारने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि उनका देश भारत की सुरक्षा को कमजोर करने वाला कोई काम नहीं करेगा और वो नई दिल्ली को एक मूल्यवान मित्र मानता है। सोमवार को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अपनी पत्नी साजिदा मोहम्मद के साथ सबसे पहले राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया। इसके बाद वो पीएम मोदी के साथ बैठक के लिए हैदराबाद हाउस पहुंचे। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने बैठक की। ये मोइजू की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसियों में से एक हैं और राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के नेतृत्व वाली पिछली सरकार के कार्यकाल में रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों में वृद्धि देखी गई है। योर एक्सलेंसी राष्ट्रपति मोइजू, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के हमारे साथी, सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति मोइजू और उनके प्रतिनिधिमंडल का हार्दिक स्वागत करता हूं। भारत और मालदीव के संबंध सदियों पुराने हैं और भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है इन दोनों में।